दोस्तों, मेरा नाम कमलेश शर्मा। मैं जयपुर जिले के मौजोबा तहसील में गांव है रसूनपुरा, छोटा सी 30 घरों की बस्ती है, वहां का रहने वाला हूं। मैंने MA और लाइब्रेरी में बैचलर डिग्री कर रखी है। वर्तमान में मैं राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टोंक फाटक जयपुर में पब्लिक हेल्थ मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, जो कि 25 जनवरी 2018 से यहीं पे हूँ। हाल ही में अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा लाइब्रेरियन का जो परिणाम घोषित किया गया, उसमें मेरे को जनरल कैटेगरी से सफलता प्राप्त हुई है। उसमें मेरे परिवारजनों, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन और मेरी संस्था जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ डिस्पेंसरी में, वहाँ पे डॉक्टर अजय शर्मा जी का बहुत ही योगदान रहा। उन्होंने गाइडेंस भी किया और उन्होंने हर प्रकार से मेरी हेल्प भी करी। और फैकल्टी में, जेके में, उनसे मेरी मुलाकात करीब 6-7 साल पहले विधायक नगर डिस्पेंसरी में मैं DDCL पर के पद पर जब कार्यरत था तब हुई। गुरुजनों में विशेषकर श्री जितेंद्र अम्पा सर, जिनसे मेरी मुलाकात विधायक नगर डिस्पेंसरी जो विधानसभा के सामने संचालित है वहाँ पे हुई थी। उस टाइम पे मैं DDCL पर के पद पे कार्यरत था। इनकी गाइडेंस में मैंने ये लाइब्रेरियन के नोट्स भी इन्होंने प्रोवाइड करे, बराबर इन्होंने गाइडेंस किया मेरे को, जो कि निशुल्क इन्होंने मेरे को सेवा प्रदान की। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। मेरे स्टाफ का, परिवारजनों का, सभी का मैं आभारी हूँ। अंत में मैं सभी आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप भी आराम से बिना कोचिंग के अपना सिलेक्शन अगर चाहे तो कर सकते हो। लगन अगर सच्ची हो, धुन पक्की हो, चाह मिल सकता है, किस्मत में लिखा टल सकता है। तो दोस्तों, ये कोई बड़ी बारी बात नहीं। आप भी अगर चाहे तो आपका सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। इसी के साथ अनुरोध मेरा, आप सभी पढ़ाई करें, मस्त रहे। थैंक यू सर। आपने कोचिंग कहाँ से की? मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, मैंने सेल्फ स्टडी करी है। रोजाना मैंने 2.5 से 3 घंटा, जब वैकेंसी आई थी उसके मैंने डेट मैंने पहले से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि तो एग्जाम के बाद तक भी मेरी जारी रही थी। और वर्तमान में भी मैं, कितने सालों बाद में आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी? दोस्तों, मैंने 2010 में, सॉरी 2008 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद में वापस 2017 में मैंने वापस पढ़ाई शुरू की, जिसका श्रेय मैं परिवारजनों को, गुरुजनों को और मेरे संस्थान के बराबर के कर्मचारी। नहीं, जबरदस्ती नहीं देना है आपको, यदि जो लगे तो नहीं लेने नहीं लेना है। दिया है सर, दिया है सभी ने, जबरदस्ती नहीं है। जहाँ पे अच्छा, पहले मैं कार्यरत था विधायक नगर में, वहाँ भी डॉक्टर रामकिशोर सैनी जी हैं और वहाँ का पूरा स्टाफ ने भी मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट किया है। आप मेरे से कहाँ से जुड़े थे इस बता देखे स्टूडेंट? मैं आपसे जुड़ा था विधायक नगर डिस्पेंसरी, जहाँ पे आप एक बार दवाई लेने आए थे। हमारे अच्छा, हाँ बोलो बोलो। स्टाफ के साथ में आपसे थोड़ी तकरार हुई पर्ची के ऊपर से लेके, अच्छा, उसी दिन से आपसे जुड़ाव हो गया था। जो जुड़ाव अभी बना हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि जुड़ाव ये लाइफ टाइम चले, कभी दोनों तरफ से रिश्तों में दरार नहीं आए। चलो एक बार स्टूडेंट्स को ये बताइएगा कि मैंने आपका किस तरह से सपोर्ट किया, या फिर आपका मतलब सिलेक्शन में आप जब बता रहे हो ना कि गुरुजनों में जितेंद्र अम्बा सर, आप स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आपका मैंने क्या सपोर्ट किया, ये बताओ ना। आपने लाइब्रेरियन के नोट्स प्रोवाइड करवाए, उसके साथ में जब भी मैं किसी प्रकार GK के क्वेश्चन में अगर अनभिज्ञ होता या द्वंद्वता आ जाती, तो मैं चाहे रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, आप अगर क्लास भी ले रहे होते तो वापस कॉल बैक जरूर करते थे मेरे को। पूरा रिस्पॉन्स दिया आपने, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ सर। अच्छा, तो और कुछ यदि पथ प्रदर्शन में या फिर एनीवन कोई आपके पढ़ने का तरीका वगैरह कुछ इससे संबंधित कुछ बात हुई थी? पढ़ने का आपने कहा था कि रेगुलर ही पढ़ाई अगर आप रखोगे तो ही संभव हुआ है। अगर विज्ञप्ति आ गई, 2 दिन पढ़ लिए, 7 दिन छोड़ दिए, 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़े, तो इससे सिलेक्शन संभव नहीं है। आपके द्वारा मेरे को एग्जाम से साल भर पहले से रोजाना का GK का होमवर्क दिया जाता था और मैं वापस आंसर की तैयार करके पूरा रिजल्ट आपको सामने प्रेषित करता था, ऑन कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा। उसके चलो, लिए सर आभारी शुभकामनाएं हूँ। आपको, और आप आगे उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ो और भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग जाओ अभी से। और सभी स्टूडेंट्स को क्या आप सलाह देना चाहते हो, एनीवन कुछ? सभी स्टूडेंट्स जो भी मेरे साथी है, या जानकार हो या बिना जानकार हो, वो सभी भी तैयारी करें। किसी भी गुरुजन की गाइडेंस हो, गुरुजन हो या अन्य जिसको वो अच्छा मानते हैं कि ये अच्छा गाइड कर सकता है, तो उस गाइडेंस में चलें।
बिना गाइडेंस के कोई संभव नहीं है। शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। ये इनके स्टाफ के हैं स्टूडेंट्स। चलो आप ये हमारे डॉक्टर अजय सर हैं जिनका बहुत योगदान रहा। हाँ, डॉक्टर साहब ने इनको यदि सपोर्ट नहीं किया होता तो टाइम ही नहीं मिलता। बहुत सपोर्ट किया, ये हमारे मंजू सिस्टर है, बड़ी बहन मेरी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो रेशमा चौधरी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो अंजना बेरवा जी है एनएम सिस्टर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आगे मामरा शर्मा जी है हमारे योग गुरु है, ये गणेशी दाखड़ है, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। चलो शुभकामनाएं सर, अब आगे का क्या प्लान है आपका, आगे किसकी तैयारी करना चाहते हो? अब आगे मैं आरएस की करना चाह रहा हूँ, जो कि विश्वास दिलाता हूँ जहाँ तक सफल होऊंगा। शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।